हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है एंड ये आपकी क्लास सिक्स है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवेज ने जो गो ग्रीन इनिशिएटिव लिया है। गो ग्रीन इनिशिएटिव का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड कंसिडरेशन है जो इंडियन रेलवेज ने ली है, जिसकी वजह से हम एनवायरमेंट की तरफ एक बेटर इनिशिएटिव ले पाएंगे, वो सारे जो इनिशिएटिव हैं इंडियन रेलवेज के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेजर्स हैं वो देख लेते हैं कि रेलवे ने कौन से मेजर्स लिए हैं, कौन से ऐसे एक्शंस लिए हैं गो ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ प्लान टू सेट अप 1000 मेगावाट सोलर पावर बाय 2020 to 2021। दिस वुड हेल्प रेलवेज टू सोर्स अबाउट 10% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो पहला जो इनका कंसिडरेशन है या पहला जो इनिशिएटिव है वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इन्होंने प्लान किया है कि लगभग 1000 मेगावाट का सोलर पावर पैनल लगाएंगे या सोलर पावर को सेटअप करेंगे 2020 से स्टार्ट होगा एंड 21 तक ये कंप्लीट हो जाएगा 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। एंड इसके अलावा इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये अपना ऑलमोस्ट 10% जो इनकी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो आप रिन्यूएबल सोर्सेज से ये पाएंगे। तो यहाँ पे 10% एनर्जी, यहाँ पे ये कंजम्पशन जो है उनका वो रिड्यूस होगा, या आप कह लीजिए कि एक अदर अल्टरनेटिव सोर्स उन्होंने फाइंड आउट किया है, सेटअप करने वाले हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है उनका वो ये है कि विंड एनर्जी प्लांट्स ऑफ 36.5 मेगावाट हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय द रेलवे। तो इसके अलावा इन्होंने विंड एनर्जी प्लांट्स भी लगाए हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने सोलर पावर पे ध्यान दिया, उसके बाद इन्होंने विंड एनर्जी जो प्लांट्स हैं वो भी इस्टेब्लिश किए हैं, ऑलमोस्ट 36.5 मेगावाट के, जो कि रेलवे ने ही इंस्टॉल किए हैं। नेक्स्ट है आपका ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन एंड 99% ऑफ सर्विस बिल्डिंग हैव बीन फिटेड विद 100% LED ल्यूमिनरी बाय इंडियन रेलवेज टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन। तो इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल, मतलब आप कह सकते हो रेलवे स्टेशंस थी, जितनी भी सर्विस बिल्डिंग थी, उन सारी जगह पे जो बल्ब्स हैं या फिर जो आपकी जितने भी पावर के सोर्सेस थे, ये इन्होंने चेंज कर दिए और यहाँ पे इन्होंने LED जो है, LED लाइट्स, उनका पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया, उनको फिट कर दिया है। और उसकी वजह से ऑलमोस्ट, मतलब 99% ये चीज़ें हो गई हैं और उसकी वजह से इनका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो जो CFL वगैरह थी, जो बल्ब्स थी, वो इन्होंने चेंज करके इन्होंने LED में कन्वर्ट किया है। तो ये एक इनिशिएटिव भी रेलवे ने लिया है। रेलवे हैव स्टार्टेड ब्लेंडिंग ऑफ 5% बायोडीजल इन हाई स्पीड डीजल फॉर डीजल लोकोमोटिव्स। तो इन्होंने 5% बायोडीजल स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना, जो पहले वो यूज़ करते थे, जितना भी उनका आप कह लीजिए कंजम्पशन था, जो टोटल डीजल था, उस डीजल में इन्होंने बायोडीजल मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 5% डीजल की यहाँ पे बचत हो रही है और यहाँ पे हाई स्पीड डीजल की 5% बचत इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। जितनी भी लोकोमोटिव्स हैं, जितने भी इनके इंजन हैं जो डीजल से चलते हैं, उसमें 5% बायोडीजल भी मिक्स किया जाएगा। 20% कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज CNG सब्सटीट्यूशन इन डीजल इंजन इन डीजल पावर कार्स ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, दैट इज DEMU ट्रेन्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी बेस्ड DEMUs। तो इन्होंने इसके अलावा क्या किया है, 20% जो आपकी नेचुरल गैसेज हैं या CNG है, जिसको हम CNG कहते हैं, उनको भी एज अ सब्सटीट्यूट के यूज़ कर रहे हैं डीजल इंजन में। और जो कि आपका हाई स्पीड डीजल इंजन था या डीजल पावर कार्स थी, उनके जगह पे आप ये CNG का यूज़ करेंगे। या आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स चलती थी, इनकी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होती थी, वहाँ पे भी इन्होंने कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 20% यहाँ पे CNG का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। देन इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है, दैट इज ट्री प्लांटेशन टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन रेलवे प्रीमाइसेस, कि जितने भी रेलवे प्रीमाइसेस होंगे वहाँ पे अब हाई लेवल पे ट्री प्लांटेशन होगा, ताकि जो भी जो रेलवे प्रीमाइसेस हैं वो ग्रीन हो जाएं, वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएंगे। वाटर ऑडिट्स एज मेजर कंजम्पशन सेंटर्स एज वेल एज प्रोलीफिकेशन ऑफ वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स एंड रेन
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एज अ स्टेप टूवर्ड्स बेटर वाटर मैनेजमेंट। बेटर वाटर मैनेजमेंट की तरफ इन्होंने क्या चीज़ें की हैं, पहला तो इन्होंने वाटर ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे भी जो भी ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे कंजम्पशन बहुत हाई थी, वहाँ पे अब वाटर ऑडिट्स होंगे कि कितना पानी आप कहाँ पे मतलब यूज़ कर रहे हो और उसको यूज़ करने से कैसे हम कम कर सकते हैं, या कहीं तो ऐसा नहीं कि उसका वेस्टेज हो रहा है मतलब उस पानी का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, वाटर ऑडिट इसको बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और इन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी रेलवे ने अब बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिया है करना। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट एंड रेटिंग ऑफ इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड मेजर वर्कशॉप्स एज ग्रीन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो इन्होंने ये भी कर दिया कि जो इंडियन रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या वर्कशॉप्स हैं उनको एज अ ग्रीन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए अभी असेसमेंट एंड रेटिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी वजह से भी आपस में इंटरनल कंपटीशन की वजह से वो अपने आप को और बेटर वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। नियरली 1,63,000 बायो टॉयलेट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन अराउंड 44,500 कोचेस। तो यहाँ पे अब जितनी भी रेलवे हैं, इंडियन रेलवेज हैं, उन्होंने बायो टॉयलेट्स को यूज़ करना मतलब स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से वाटर कंजम्पशन रिड्यूस होती है और हमें मतलब उसका एक बेटर जो जो भी मेन्योर होता है या जो भी आप कह सकते हो रिस्यूड होता है, वो सारी चीज़ों का एक बेटर मतलब आप कह सकते हो कि सब्सटीट्यूट्स ये यूज़ करते हैं उसको। ओके, देन इंक्रीजिंग द पेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो इन्होंने ये भी किया है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको इंक्रीज कर दिया है और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल वगैरह हो गई, इन सब पे डिपेंडेंसी को इन्होंने रिड्यूस किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ टेकन अ पॉलिसी डिसीजन फॉर एलोकेटिंग 1% कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्शन वर्ल्ड वर्क्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड वर्क्स। तो इन्होंने ये भी बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये भी बोला है कि जितने भी बजट हमारे पास आएंगे या जितने भी पॉलिसी डिसीजन होंगे, उन सारे पॉलिसी डिसीजन का 1% ऑफ द कॉस्ट हम एनवायरमेंट रिलेटेड वर्क में खर्च करेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले जो भी चीज़ें आती थी उसमें एनवायरमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर या अलग से बजट नहीं होता था। अब इन्होंने बोला है कि जो भी बजट पास होगा या अब जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसका 1% जो भी रेलवे के लिए मिलेगा उसका 1% हम एनवायरमेंट की तरफ खर्च करेंगे और वो सारी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करेंगे जिसके बारे में हमने सोचा है। तो ये आपका ग्रीन इनिशिएटिव हो गया, ग्रीन जो इनिशिएटिव्स हैं जो रेलवे ने लिए हैं उनके बारे में डिस्कशन हो गया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। Keep on watching and keep on learning.